राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है। तो आपकी सरकार में हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितना खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा। एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव। ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह, बड़े बड़े नारे दिए गए। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ, तो आपकी सरकार में। 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया, तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बड़ा, तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास, 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा, जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं। एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितना खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा। अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई, सही बात है। मंडी इसमें कोई प्रावधान नहीं, मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4%, और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? प्रश्न इस बात का उठता है, आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में। मंडी जिस प्रकार से हरियाणा में हर 10 किलोमीटर में मंडी हमने स्थापित करी थी अपनी सरकार में, पूरे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर में मंडी बने। दूसरा, प्राइवेट अगर आए तो मंडियों के अंदर आए, एमएसपी से ज्यादा पे खरीदें, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसी खरीदारी अलाउ ना हो। तीसरा, एमएसपी की कैलकुलेशन C2 के आधार पे हो, A2 कॉस्ट नहीं, C2 खर्चे के आधार पे एमएसपी कास्ट हो, जो आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। चौथा, एमएसपी जो चौथे उसमें कहा कि कर्जे का जो दर है, छोटा किसान सर्वाइव नहीं कर पाया बड़े बड़े धनाडों के आगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स के आगे। ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें, आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी।